हीरो निकल सकता है विलन। ढाका के आतंकी हमले में मारी गई भारतीय लड़की तारीशी के बांग्लादेशी दोस्त फराज के बारे में सवाल उठे हैं। उसके बारे में बांग्लादेश में दो अलग अलग खबरें छपी हैं। 1 जुलाई को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुए आतंकी हमले के बाद जिन लोगों के शव होली आर्टिजन बेकरी में मिले उनमें एक नाम अमेरिका में पढ़ने वाले फराज अयाज हुसैन का भी था। लेकिन हमले के कई दिनों बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या है फराज की असलियत। बांग्लादेश की प्रमुख पत्रिका प्रथम आलो का दावा है कि फराज ने भारत की तारीशी जैन और अमेरिका की अवनीता कबीर के साथ अपनी दोस्ती निभाने की खातिर जान कुर्बान कर दी। पत्रिका ने हमले के बाद छपी अपनी रिपोर्ट में बताया कि फराज के मुस्लिम होने की वजह से आतंकियों ने उसे बाहर जाने को कहा, लेकिन वो दोस्तों को मुसीबत में छोड़कर नहीं गया, लिहाजा आतंकियों ने उसे भी मार डाला। लेकिन अब बांग्लादेश के अखबार दैनिक निरपेक्षा ने ऐसी कहानी और तस्वीरें छापी हैं जिनसे फराज के आतंकी होने की अटकलों को मजबूती मिल रही है। अखबार के मुताबिक कुछ ऐसी पुरानी तस्वीरें सामने आई हैं जिनमें फराज कथित तौर पर एक ऐसे आतंकी के साथ खड़ा है जो ढाका के आतंकी हमले में सुरक्षा बलों के हाथों मारा जा चुका है। दैनिक निरपेक्षा के संपादक शफीकुर रहमान नवाज ने एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा कि उन्हें ये तस्वीरें फराज के आतंकी होने की अफवाहों की जांच करने पर मिली हैं। आरोप ये भी लग रहे हैं कि बांग्लादेश की पत्रिका प्रथम आलो ने फराज को दोस्ती की खातिर कुर्बान होने वाला युवक इसीलिए भी बताया क्योंकि ये पत्रिका फराज के नाना की है। हालांकि बांग्लादेश की पुलिस या सरकार की तरफ से फराज के बारे में आधिकारिक तौर पर अब तक कुछ भी नहीं कहा गया है। आतंकी संगठन आईएस ने ढाका हमले के बाद एक वीडियो जारी किया है। इसमें बांग्लादेश पर तब तक हमले की धमकी दी गई है जब तक वहां शरिया कानून लागू नहीं होता। वीडियो में दिख रहे आतंकी की पहचान बांग्लादेशी लड़के अबू इस्सा अल बंगाली के रूप में हुई है। वीडियो में आतंकी कह रहा है कि पिछला हमला आने वाले हमलों की झलक भर है, आगे इससे भी खतरनाक हमले किए जाएंगे।